नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई दिनों से कुछ तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर नहीं आ पा रही हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं जल्द ही आपके लिए आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड कराऊँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीतकालीन कवि भूषण के बारे में, जानेंगे उनके बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए देखते हैं भूषण के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्य। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको अवेलेबल होते रहें, मिलते रहें। और आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं भूषण के बारे में। भूषण का जन्म संबत 1670 यानी 1613 ईस्वी में तिकवापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये तिकवापुर कानपुर के पास में स्थित है। भूषण का जन्म तिकवापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था और इनके जो आश्रयदाता थे वो थे शिवाजी और उनके पुत्र साहूजी, और उसके अलावा पन्ना नरेश छत्रसाल का भी इनको आश्रय प्राप्त हुआ था। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इनका वास्तविक नाम पातीराम था। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। रचनाएं शिवराज भूषण, शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण किया गया है जो 284 छंदों में है। इन 105 अलंकारों में 99 अर्थालंकार हैं, 4 शब्दालंकार हैं, 2 अलंकार चित्र और शंकर नामक अलंकार हैं। और शिवराज भूषण के जो आश्रय ग्रंथ हैं वो हैं चंद्रालो, जयदेव के द्वारा रचित, ललित ललाम, मतिरान द्वारा रचित। इनका दूसरा ग्रंथ है शिवा बावनी, जिसमें 52 छंद हैं और इसमें शिवाजी की कीर्ति का वर्णन किया गया है। इनका तीसरा जो ग्रंथ है वो है छत्रसाल दशक, ये 6 छंदों का है। इसमें छत्रसाल का यशोगान किया गया है। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके 3 ग्रंथ और हैं, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा, लेकिन ये ग्रंथ अभी अप्राप्य हैं। चित्रकूट नरेश रुद्र राम सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। इसके बारे में एक दोहा प्रचलित है, कुल सुलंक चित्रकूट पति साहस नील समुद्र, कवि भूषण पदवी दई हृदय राम सुत रुद्र। भूषण वास्तव में काव्य में वीर रस और ओज गुण, भूषण के काव्य में वीर रस और ओज गुण की प्रधानता मिलती है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन को कोई कवि, माफ करिएगा, इसे फिर से एक बार सुनिए, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवि की, कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। इसी से भूषण के वीर रस के उद्गार की सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए, ये कहना है रामचंद्र शुक्ल जी का। और इनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, प्रेम की प्रेम विलासिता के साहित्य का ही उन दिनों प्रधान था। मतलब उन दिनों प्रेम विलासिता का ही साहित्य ज़्यादातर लिखा जा रहा था, उसमें वीर रस की रचना को कि यही उनकी विशेषता है। ये कहना था हजार प्रसाद द्विवेदी का कि प्रेम विलासिता के साहित्य का ही उन दिनों प्रधान था, उसमें वीर रस की रचना की यही उनकी विशेषता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों भूषण के बारे में आपको बहुत महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए होंगे मेरी वीडियो के माध्यम से। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा तो मुझे पता है आप कमेंट्स द्वारा मुझे ज़रूर बताएंगे। आपका यही सहयोग मुझे
आपके लिए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।